वंदे मातरम। तो दोस्तों आज से TISF फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। तो दोस्तों ये स्टूडेंट देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश के हैं जिनको 5th RB गाजियाबाद में दिया गया है बोर्ड 3 में, तो चलिए उनसे कॉल पे बात करते हैं और देखते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने अभ्यर्थी को बुलाया गया था, किसमें सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हुए, समझ गए। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों का क्वेश्चन मार्क है कास्ट सर्टिफिकेट, तो क्या हुआ कास्ट सर्टिफिकेट कितना नया कितना पुराना चल रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट चेक करने में कितना समय लग रहा है। तो देखिए दोस्तों इस स्टूडेंट का यहाँ पर देख सकते हैं 14/11/2023 को 7:30 पूर्वाहन पहली पारी में था और ये हमारे पास अभी कॉल किए थे कि सर जी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और रोज की जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी और दिन है तो आप हमारे जो नंबर है हमारे व्हाट्सएप नंबर इससे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 82 92 92 87 91, ये हमारे चैनल का टीम का जो नंबर है ये है, इस पर आप हेल्पलाइन नंबर ये है ये आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जानते हैं सारी चीजें इस वीडियो में आज क्या क्या हुआ। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आज आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो क्या क्या हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले तो आधार कार्ड मतलब कि आपको क्या क्या शुरू में आज, अच्छा ये बताइए कितने बच्चे आज आए थे सेंटर पर। गाजियाबाद में कितने 700। अच्छा और ये बताइए कि डॉक्यूमेंट में शुरू में क्या क्या चेक हुआ। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट भाषा। अच्छा कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चल रहा है, कास्ट कितना पुराना, जो CISF ने जो बोला है कि हमें फॉर्मेट में चाहिए क्या वही फॉर्मेट में ले रहा है। CISF का जो फॉर्मेट है जाति प्रमाण पत्र का क्या उसी फॉर्मेट में ले रहा है कि आप कोई भी फॉर्मेट में बना के ले जा सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट में। अच्छा ये जो हमको कुछ स्टूडेंट मैसेज किया था कि केवल PCM वाले को ले रहा है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जिसका मैथ है, बायोलॉजी वाले को ले रहा है या नहीं, बायोलॉजी वाले को ले रहा है या नहीं। PCM बायोलॉजी वाले, साइंस वाले को जिसका बायोलॉजी है, मतलब कि सबको जो साइंस से है बायोलॉजी भी है उनको भी ले रहे हैं वही ना। अच्छा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। अच्छा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हुआ, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड और जात प्रमाण पत्र भारत सरकार का। अच्छा आप कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से, कहाँ हुआ था आपका सेंटर, गाजियाबाद में। 700 बच्चे आज बुलाए गए थे ना, 700 बच्चे तक की थी। अच्छा कितने पास हुए, 700 में से कितना पास हुआ फिर भी, लगभग में 700 में से 600 पास हुआ। कितना घंटा लग रहा है समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मतलब एक अभ्यर्थी के पीछे 2 से 3 मिनट वही ना। जिसका यदि माता पिताजी के नाम में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब कि ये नहीं कि जिसका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसको समय मिल रहा है कि कल बना के दे देना या 10 दिन के बाद। अच्छा डॉक्यूमेंट में जो फेल सबसे ज्यादा किस में हुआ अभ्यर्थी, जाति प्रमाण पत्र में कि किस में। अच्छा जाति प्रमाण पत्र में और नाम में जिसका मिसमैच था उसमें फेल हुआ वही ना। चलिए भाई ठीक है आराम से जाइए घर, अभी आप कहाँ पर हैं। अच्छा ठीक है भाई जाइए, थैंक यू इतना जानकारी देने के लिए, अभी काफ़ी स्टूडेंट आपकी बात सुने हैं समझे और काफ़ी कोई हेल्प मिलेगा। कुछ कहना चाहते हैं कोई किसी स्टूडेंट को तो आप बोल दीजिए, स्टूडेंटों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो।
ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये हमारे स्टूडेंट थे जो उत्तर प्रदेश से, इनका गाजियाबाद में हुआ था, और यहाँ पर आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं, यहाँ पर मिसमैच, यदि आपके नाम में, यदि आपके नाम में मिसमैच है तो भाई आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, इसीलिए आप एफिडेविट बनवा के जाइए। और जाति प्रमाण पत्र जो चेक हो रहा है, वह चेक हो रहा है भारत सरकार का, समझ गए, यहाँ पर भारत सरकार का। गाजियाबाद में कुल 700 स्टूडेंट बुलाए गए थे, सॉरी 700, कुल 700 स्टूडेंट बुलाए गए थे, समझ गए, और यहाँ पर 700 में से 600 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। और जाति प्रमाण पत्र जो चाहिए, वह चाहिए भारत सरकार का। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए समय नहीं मिल रहा है, आपको समय नहीं दिया जा रहा है कि कल जमा करा देना या परसों जमा करा देना। तो 700 में से 600 अभ्यर्थी पास हुए हैं, बाकी नाम में मिसमैच जिसका हुआ है उसका, और बाकी जो रिजेक्ट हुए हैं वह हुए हैं जाति प्रमाण पत्र में, और किसी भी डॉक्यूमेंट में बच्चे नहीं रिजेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत दोस्तों डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, आप लोगों ने सुना और देखा भी होगा, और यहाँ